चर्चित कोठी प्रकरण में संजीव महाजन और दो अन्य को हाई कोर्ट से मिली जमानत। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजप्रीत कौर और आप देख रहे हैं ट्रिगर न्यूज। संजीव महाजन पर बाउंसर सुरजीत के साथ कोठी के मालिक राहुल महतो को अगवा करने का आरोप है। मामले में अन्य आरोपी भी हैं जिन पर महाजन के साथ मिलकर फर्जी राहुल महतो बनाने और जाली दस्तावेज के आधार पर कोठी को आगे बढ़ाने और मुनाफा कमाने का आरोप है। चंडीगढ़ के सेक्टर 37 में चर्चित कोठी हड़पने के मामले में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने मुख्य आरोपी संजीव महाजन, खालिंदर कादियान और गुरप्रीत सिंह को नियमित जमानत दे दी है। कोठी हड़पने के मामले में संजीव महाजन पर चंडीगढ़ पुलिस ने 2 मार्च 2021 को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं में केस दर्ज किया था। तब से महाजन जेल में है। इस मामले में सेक्टर 39 थाने का तत्कालीन SHO राजदीप सिंह भी आरोपी है और उसे पिछले साल सितंबर में हाई कोर्ट से जमानत मिल गई थी। मामले में चंडीगढ़ पुलिस के एक DSP का भाई भी आरोपी है। संजीव महाजन पर बाउंसर सुरजीत के साथ कोठी के मालिक राहुल मेहता को अगवा करने का आरोप है। मामले में अन्य आरोपी भी हैं जिन पर महाजन के साथ मिलकर फर्जी राहुल मेहता बनाने और जाली दस्तावेज के आधार पर कोठी को आगे बेचने और मुनाफा कमाने का आरोप है। चार्जशीट के मुताबिक आरोपी पहले किराएदार बनकर सेक्टर 37 की एक कोठी की पहली मंजिल पर रहने लगा। राहुल मेहता इस कोठी का अकेला मालिक था। बाद में प्लानिंग के तहत उसे कैद कर मारपीट की गई और मानसिक रोगी बनाकर दूसरे राज्य में छोड़ दिया गया। इसके बाद फर्जी सेल डीड के आधार पर कब्जा ले लिया गया। पूर्व SHO इंस्पेक्टर राजदीप सिंह पर आरोप है कि उसने शिकायत मिलने के बाद कार्रवाई करने के बजाय शिकायतकर्ता को धमकाया और आरोपियों से उपहार के तौर पर महंगे फोन लिए। हाई कोर्ट ने अब इस मामले में महाजन को बड़ी राहत देते हुए उन्हें व दो अन्य को नियमित जमानत दे दी है। तो आपकी इस पर क्या राय है, हमें बताएं हमारे कमेंट सेक्शन में और हमारे चैनल ट्रिगर न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें।